हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रेड अप चैनल. आप सभी का ग्रेड अप चैनल में स्वागत है. माय नेम इज़ प्राची एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास. नाउ अब फाइनली नेट के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं और अब रिलैक्स करने का टाइम जा चुका है. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू गिव दिस ईयर्स एग्ज़ाम, आपकी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और अभी भी 2 महीने बाकी हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एनटीए नेट ने आपको बोला कि भाई आ जाओ और एग्ज़ाम दे जाओ. दे हैव गिवन यू गुड 2 months ऑफ टाइम, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. सो आई होप अब आप कोई भी सेशन को रिलैक्स नहीं लेंगे, एंड क्योंकि मैं तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं ले रही हूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलीट थ्योरी में से, जिसका नाम है रॉबर्ट मिचल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कुलीन तंत्र के लौह कानून. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलीट थ्योरी का टॉपिक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है. सो आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर टुडेज क्लास. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू. दिव्या, प्रज्ञा, सुतप्पा, रैम्बो, पूजा, जानवी, रोजलिन, शेख, राजा लक्ष्मी, राजिया, सौरभ, गुनाजीत, प्रसन्नजीत, निहारिका, पूजा, कामिनी, खुशबू, यमनप्पा, तबस्सुम, प्रज्ञा, जोगिंदर, विनी, हेलो, वेलकम एवरीवन. जल्दी जल्दी से और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. जल्दी जल्दी से सब ज्वाइन कर जाएं. ओके, अब स्टूडेंट्स टाइम नहीं रहा है टू रिलैक्स. ओके, आई एम सॉरी, गया अब टाइम रिलैक्स करने का. अब जल्दी जल्दी से सब ज्वाइन इन कर जाएं. ठीक है, हाय, हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाएं क्लास में, जल्दी से आ जाएं. ओके, एंड यस, जैसे मैं आपको कह रही थी, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कि फाइनली एनटीए नेट ने डेट्स निकाल दी हैं? बहुत टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम कब आएंगी डेट्स, कब आएंगी. अब फाइनली आ गई हैं डेट्स, तो जल्दी से स्टूडेंट्स क्लास में बता दो कि कितने एक्साइटेड हो, जल्दी से बता दो. ठीक है, जल्दी से बता दो. थैंक यू सो मच रेनू, ग्लैड टू नो. जल्दी से बता दो कितने एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए. एक बार अगर आप एक्साइटमेंट दिखा दोगे ना मुझे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी बताऊंगी आज की क्लास में. आनंदिता, ले लिया आपका नाम, गलती से छूट जाता है कभी कभार, कोई नहीं. ठीक है, जल्दी से यस मैम, ओके मैम लिख के बता दो जल्दी से कितने एक्साइटेड हो. परसेंटेज चलो बता दो कितने एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए. जैसे आप अपना एक्साइटमेंट दिखाओगे ना, मैं आपको एक गुड न्यूज, एक स्पेशल सरप्राइज आपके को दिखाऊंगी. जैसे ही आप मुझे अपना सरप्राइज वाला एक्सप्रेशंस देंगे ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज दूंगी. तो जल्दी से बता दो कितने एक्साइटेड हो. अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा देखकर. अब इसी एक्साइटमेंट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, है ना. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना इसी एक्साइटमेंट के साथ. ओके, अरे वाह, वेरी गुड, ग्लैड टू सी कि सब बहुत एक्साइटेड हैं. तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक्साइटमेंट मुझे दिखाई है, और भी दिखाए जा रहे हैं. ठीक है, नहीं देखो, हर बार ना वाउचर के पीछे मत भागो यार. गिफ्ट जो और मैं सरप्राइज़ आपको देने वाली हूँ ना, वो नॉलेज का, ज्ञान का सरप्राइज़ देने वाली हूँ, कि नेट की प्रेपरेशन में जो JRF का अब एग्ज़ाम आप देने वाले हो, नेट एंड JRF का अक्टूबर में, उसको क्लियर करने में, आपकी हेल्प करने के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ मैं. ठीक है, तो हमेशा यार वाउचर के पीछे मत जाया करो यार. इन दी एंड सबको नेट JRF क्रैक करना है, उससे बड़ी एक्साइटमेंट क्या ही होगी, है ना. अक्षया कह रही है 53%. अच्छा, 53% यानी कि शायद अभी बढ़ेगा जब वो मेरी क्लास ले लेंगी, शायद वो भी 53% ही है. कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा हम. ओके, चलिए, वेरी गुड. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्साइटमेंट बता देती हूँ क्या है, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं करूँगी. आज तो मैं ले रही हूँ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की क्लास. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलीट थ्योरी का. और इसके साथ साथ आप सबके लिए एक और खुशखबरी, स्पेशल इंडिपेंडेंस डे क्लास.
यस स्टूडेंट, आप सभी कहते हैं कि मैम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकें प्लीज़ लीजिए, पर ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। इस मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे ना, मैं उनको डिस्कस करूँगी, उसका ये मेगा मैराथन क्विज़ होगा स्टूडेंट। सो ये मेगा मैराथन क्विज़ इंडिपेंडेंस डे के दिन होगा 11 बजे, 15th August। आई नो आप सबकी छुट्टी है, संडे है, बस 11 बजे बुला रही हूँ आपको। ग्रेड अप ऐप और वेबसाइट पे आ जाइएगा, ग्रेड अप ऐप एंड वेबसाइट पे आ जाएगा इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के लिए, क्योंकि अब एग्जाम दूर नहीं रहा है। मेगा मैराथन सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी यूनिट से आए हैं उनका ये क्विज होगा, तो सारे 10 के 10 यूनिट्स को इस क्विज में कवर किया जाएगा। सो डू कम फॉर दिस इम्पॉर्टेंट क्लास। ये ग्रेड अप ऐप और वेबसाइट पे होगी, यूट्यूब पे ये क्लास नहीं होगी स्टूडेंट, सिर्फ ग्रेड अप ऐप और वेबसाइट पे होगी। और ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, ओके ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। मेरे से रुका नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पहले इसके बारे में बता देती हूँ। सो प्लीज़ डू कम फॉर दिस लेक्चर एज वेल। और इसके अलावा एक और सरप्राइज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, ऑल्सो ये फ्री होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, दिस इज़ फॉर एवरी वन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ग्रेड अप की ऐप और वेबसाइट में आना है, ठीक है, आपको सिर्फ ग्रेड अप की ऐप और वेबसाइट किसी के भी थ्रू इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आना है, ठीक है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेड अप के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक आज़ादी स्पेशल ऑफर है, और वो है फ्लैट 50% ऑफ के साथ 75% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन की। कोड है आज़ादी 50, कोड है स्टूडेंट आज़ादी 50, ओके, डबल ए है आज़ादी 50, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोड को आप लगा के 50% ऑफ के साथ साथ स्पेशल एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी ले सकते हैं। तो ये थे वो दो सरप्राइजेज जो मुझे आप लोगों को देने थे, और अब मैं आज की क्लास के साथ स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र के लौह कानून। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट ये है यूनिट 4 से, ये टॉपिक है स्टूडेंट यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का जो यूनिट है नेट में, यूजीसी नेट के सिलेबस में, उसमें ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का टॉपिक आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर के अंडर, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर के अंडर, जिसमें एलीट थ्योरी का ये एक पार्ट है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ ये कहाँ से और क्यों पढ़ा रही हूँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एलीट थ्योरी का ये टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर एक टॉपिक है आपके यूनिट 4 में, उसमें आता है ये रॉबर्ट मिचेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। तो अब बिना वेट करे चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द क्लास, ओके। नाउ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को पढ़ने से पहले हमें एलीट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये जो एलीट थ्योरी है स्टूडेंट ये लिबरल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट को क्वेश्चन करती है, यानी कि जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, लोकतंत्र का आइडिया है, उसे क्वेश्चन करती है एलीट थ्योरी, यानी कि कुलीन सिद्धांत। ये जो कुलीन सिद्धांत है स्टूडेंट ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है एक स्टेट का, यानी कि एक जो डेमोक्रेसी के फीचर्स है, जो डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट है, यूसेज है, उसको क्रिटिसाइज और क्वेश्चन करती है। रॉबर्ट मिचेल की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसका पार्ट है? एलीट थ्योरी का पार्ट है। और एलीट थ्योरी के अंडर ये जो पर्टिकुलर आइडिया है ये है कि डेमोक्रेसी को ये क्वेश्चन यानी कि क्रिटिसाइज करती है, ओके। एज पर एलीट थ्योरी इट इज़ बिलीव दैट इन एवरी डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ ओलिगार्की एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एलीट थ्योरी का ऐसा मानना है इन जनरल कि जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है वो डेमोक्रेसी एक तरीके का अपने आप में फसाड है, यानी कि ये एक फ्लॉ है, ये काम ही नहीं कर सकता, ये एक आदर्शपूर्ण सिद्धांत है। उनका ये मानना है कि हर एक डेमोक्रेसी में या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको
कहीं ना कहीं एक छोटी ओलिगार्की देखने को मिलेगी, यानी कि एक कुलीन तंत्र देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे विच विल हैव द पावर टू मेक ऑल द डिसीजन। देयर विल बी फ्यू इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। यही बात स्टूडेंट एली थ्योरी के अंडर बोली गई है। ओके, आई होप ये बात सबको क्लियर है कि अली थ्योरी में ये बात बोली है कि इन एवरी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र की व्यवस्था होगी। कुलीन तंत्र यानी कि ओलिगार्की का मतलब है कि फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि वो लोग जिनके पास आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे ज़्यादा शक्ति और कंट्रोल, यानी कि पावर और कंट्रोल होता है, दे विल हैव दी पावर टू टेक ऑल द डिसीजंस इन अ स्टेट। सिर्फ नाम का लोकतंत्र होता है पर असल शक्ति निर्णय लेने की किसके पास होती है? इस ओलिगार्की के पास होती है, जो सिर्फ निर्णय यानी कि सिर्फ डिसीजन ही लेते हैं बल्कि जो पब्लिक है उसके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, एलीट थ्योरी क्या कहती है कि सिर्फ ओलिगार्की सिर्फ डिसीजन लेने में अपना डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व नहीं फैलाती है स्टूडेंट, बट ये साथ में पब्लिक के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा अलीट थ्योरी का मानना है। यानी कि अलीट थ्योरी कहती है कि हर एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में एक स्मॉल माइनॉरिटी होगी जिसमें आपको वो लोग दिखेंगे जो अलीट कहलाते हैं। अलीट का मतलब जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की, उनके पास शक्ति होती है प्रेशर डालने की, पार होता है कंट्रोल करने का। ये हर एक सोसाइटी में ऐसा एक अलीट ग्रुप होता है एंड इट बेसिकली हैव द पावर टू टेक ऑल द डिसीजन। और डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम का झूठ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए लोकतंत्र है पर एक्चुअली में इस ओलिगार्की के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, प्लानिंग से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारे जो हैं स्टूडेंट्स वो इसी इनके पास ही होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर है। और वो ये भी कहते हैं स्टूडेंट अलीट थ्योरी में कि ये जो पावर है ये अलीट जो है उनके साथ कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, क्योंकि जो अलीट्स हैं वो एकता पूर्वक रहते हैं यानी कि दे रिमेन यूनिफाइड। पर जो नॉन अलीट्स हैं जिन पे ये पावर इम्पोज करते हैं दे ऑलवेज रिमेन डाइवर्स एंड पावरलेस, यानी कि उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं होती और ना ही उनके पास कोई शक्ति होती है। तो वो एक नॉन अलीट के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट और मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये जो अलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है ये अपोज करती है प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर को। प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी में जो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं वो साथ में मिलकर डिसीजन लेती हैं कि किस तरीके का काम होना चाहिए, पर अलीट थ्योरी इसको नहीं मानती है। अलीट थ्योरी कहती है कि एक ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। अगर हम अलीट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स यानी कि सपोर्टर्स के बारे में बात करें तो उनके नाम ये हैं, परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिचल्स जिनके बारे में मैं आज बात करने वाले हैं, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट डी पटनेम एक्सेट्रा। सो ये कुछ हैं प्रोपोनेंट्स अलीट थ्योरी के। ठीक है, अगर आपको अलीट थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया है तो जल्दी से ओके लिख दें, फिर हम बढ़ते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की तरफ। ओके, जल्दी से ओके लिख दें। यस अर्पणप्रीत, बिल्कुल करेक्ट, रूल ऑफ फ्यू। यस बसंत, करेक्ट। ओके लिख दें। अच्छा, एक और स्टूडेंट मैं आपको बात बताना भूल गई कि फॉर ऑल द ग्रेड अप सुपर स्टूडेंट, जो ग्रेड अप के सुपर स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं,
उनके लिए हम एक और नया पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम JRF बूस्टर सेशन बोल रहे हैं। इस बूस्टर सेशन में स्टूडेंट्स आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं बट ये सिर्फ ग्रेड अप के पेड सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आपने ग्रेड अप की अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ली है और आपको JRF पक्का क्रैक करना है और ये बूस्टर सेशन में आना है तो अभी से 50% ऑफ अभी है, अभी से इंडिपेंडेंस डे के ऑफर में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। ये JRF बूस्टर सेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा 17th-18th August से, ठीक है। यस ऑब्वियसली अंकिता वो भी हैं, विलियम डमहॉब, बर्हम ये भी हैं, करेक्ट। यस ऑब्वियसली सौरभ करेक्ट, एक्सेट्रा लिखा है ना इधर तभी। ओके बहुत सारे हैं, ओके वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और अब बात करते हैं रॉबर्ट मिचेल की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की। रॉबर्ट मिचेल का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो ही इज अ जर्मन बॉर्न इटालियन सोशियोलॉजिस्ट। ये जर्मन बॉर्न इटालियन सोशियोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था पर बाद में इन्होंने अपना जो वर्क किया है वो इटली में रहकर किया है, इसलिए उन्हें जर्मन बॉर्न इटालियन सोशियोलॉजिस्ट का है क्योंकि फिर वो इटली में मूव कर गए थे। तो अगर हम बात करें कि इटालियन कौन थे जो प्रपोनेंट्स ऑफ एलीट थ्योरी थे, तो मॉस्का रॉबर्ट मिचेल्स भी थे और गेटानो मॉस्को, परेटो और रॉबर्ट मिचेल्स तीनों इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म के पार्ट थे, ठीक है। बट रॉबर्ट मिचेल्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इटली में नहीं हुआ था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से जो स्कॉलर्स हैं वो इटली में पैदा हुए थे, तो उसका आंसर है मॉस्का और परेटो, बिकॉज मिचेल्स जो हैं वो इटली में पैदा नहीं हुए थे बट वो इटली में बाद में मूव हो गए थे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ओके चलिए। इसके अलावा इन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले उनकी इस बुक पॉलिटिकल पार्टीज में पब्लिश किया गया। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में जब रॉबर्ट मिचेल्स ने बात की तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले उनकी बुक पॉलिटिकल पार्टीज में पब्लिश हुआ था, जो 1911 में पब्लिश हुई थी, ओके। एंड इट कंटेन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। अब ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से उनका मतलब ये है कि जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके मैं समझाऊंगी, तो प्लीज़ सब ध्यान से आप सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे रखिएगा। ही सेज कि जितने भी सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जितने भी सामाजिक और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो स्टेट हो या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंडिविजुअल्स यानी कि फ्यू इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में चलती है, ओके। मैं वापस रिपीट करती हूँ, रॉबर्ट मिचेल्स का ये कहना है कि चाहे कितने भी सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ा स्टेट या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, दे आर रन बाय नॉट ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर रन ओनली बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्तियों द्वारा ही एक सामाजिक या राजनीतिक या लार्ज स्केल इंडस्ट्री का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर डिवीजन की होता है, यानी कि लेबर को डिवाइड रखना और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फीचर्स हैं उनके बेसिस में पावर एंड कंट्रोल करते हैं कौन, फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ व्यक्ति एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट में कंट्रोल रखते हैं, ओके। ये कहने से उनका मतलब ये था स्टूडेंट कि चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना ले लो, यानी कि चाहे तुम स्टेट ले लो जहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे काम किए जाते हैं, या फिर आप कोई भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, वहाँ पे डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ही सेज दैट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हो कि डिसीजंस डेमोक्रेसी के बेसिस पे लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, सो दैट इज नॉट करेक्ट। ही सेज कि हर एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में या एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल है वो एक अलीट का, यानी कि कुछ कुलीन वर्गों का या कुछ कुलीन व्यक्तियों का ही होता है।
एक अलीट एक ओलिगार्की का होता है एंड दैट इज इनएविटेबल, यानी कि आप उसे बदल नहीं सकते हैं, वो स्थाई है। और इसी को उन्होंने आयरन लॉ बोला है। आयरन लॉ बोलने के पीछे स्टूडेंट ये मतलब है कि ये परमानेंट है। जैसे आयरन एक मेटल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप अगर वो जैसे भी है उसको डेंट दे सकते हो, उसको बिगाड़ सकते हो, पर उसको पूरी तरह से डैमेज नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज आयरन इज सो स्ट्रांग। आयरन अपने आप में एक मेटल, बहुत ही स्ट्रांग मेटल है, और आप इसको डिसफिगर थोड़ा बहुत कर सकते हो पर उसे पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते, राइट? तो यही बात यहाँ बोली गई है कि इसे आयरन लॉ इसलिए कहा गया है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है वो कुछ ही इंडिविजुअल्स का होगा, और ये एक लोहा कानून है, यानी कि ये बदला नहीं जा सकता। चाहकर भी आप एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में या एक स्टेट में ओलिगार्की को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि कुलीन वर्ग के नियंत्रण, कुलीन वर्ग के डिसीजन मेकिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात है, उनका कहने का मतलब है आयरन लॉ से। यानी कि वो कहते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन शुरू तो डेमोक्रेसी से होती हैं, दे मे स्टार्ट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बट दे विल इवेंचुअली डेवलप इनटू ओलिगार्कीज, बट वो बाद में जाके रूल ऑफ फ्यू ही बन जाएंगे, यानी कि कुछ लोगों का शासन ही बन जाएंगे, कुलीन वर्ग का शासन ही बन जाएंगे। चाहे वो शुरुआत तौर पे कितनी भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा लोकतांत्रिक क्यों ना हो, बाद में जाके वो ओलिगार्की बनी जाती है, क्योंकि आप ओलिगार्की को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, आप रूल ऑफ अलीट को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इट्स एन आयरन लॉ, ये एक कानून ये एक लोहा कानून है, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता। इट कैनॉट बी कंप्लीट वैनिश, इट कैनॉट वैनिश एट ऑल, ये ऐसे का ऐसा रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, ओके? ये बात स्टूडेंट बोलने की कोशिश उन्होंने करी है, ओके? उनका ये मानना है कि सिंस नो सफिशेंटली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन प्योरली एज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज पावर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज गेट डेलीगेटेड टू इंडिविजुअल विद इन दैट ग्रुप, इलेक्टेड और अदरवाइज। उनका ये कहना है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया है, मैं सिंपल समझा देती हूँ, वो ये कहना चाहते हैं सिंपली कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया हम कहते हैं, या जो हम डेमोक्रेसी का, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों ना हो, वो एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं कर सकती। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि एनीवे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है, और सबको शक्ति नहीं मिल सकती है डिसीजन मेकिंग की, वो किसी कुछ लोगों के पास ही रहेगी, और जब वो डिसीजन कुछ लोगों के पास रहता है ना, तो ये जो पार है, ये जो उनको शक्ति मिली होती है डिसीजन मेकिंग की, ये उनका दिमाग ख़राब कर देती है। उसके बाद वो डिसीजन कभी भी डेमोक्रेटिक वे से नहीं लिया जाता, वो डिसीजन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को मेट करने के लिए होता है, या उस पार का यूज़ करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है, या उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो उनकी लॉयल्टी में खरे उतरें, यही होता है। क्योंकि पार एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को काम करने से रोकती है, डेमोक्रेसी को काम करने से रोकती है, बिकॉज एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि सबके डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग की जाए, और इसी वजह से जो रूल है वो थोड़े टाइम बाद अलीट के पास चला जाता है, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास चला जाता है। ये बात स्टूडेंट वो कहना चाह रहे हैं इधर, ओके? और उन्होंने कहा है कि ये जो अलीट क्लास के हम बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है, उन्होंने ये अलीट क्लास और जो लीडरशिप क्लास है वो क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कार्यकारी भाग, प्रबंधक भाग, जो नौकरशाही नौकरशाही संस्थाओं के अधिकारी जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो प्रशासनकर्ता होते हैं, उनके पास सारी शक्ति होती है निर्णय लेने की, पार को कंट्रोल करने की, ना कि किसी और के पास एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये अलीट क्लास है जो उन्होंने बताया है, दिस इज़ व्हाट ही कॉल्स एज द अलीट क्लास, ब्यूरोक्रेट्स, स्पोक्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है सबको, ओके? समझ आ गई बात? एग्जैक्टली अनुभा, बिल्कुल सही, ओके?
चलिए तो वो ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस का एम है कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू एलीट रूल को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। तभी उसने उन्होंने इसे आयरन लॉ कहा है, आयरन लॉ कहा है। उनका ये मानना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या कोई भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो, वो इस एलीट रूल को कभी भी हटा नहीं सकता। एंड अगर ये सोचा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज एन ऑप्शन टू रिमूव द एलीट रूल, दैट इज अ फसाड, क्योंकि आप एलीट रूल या ओलिगार्की को हमेशा के लिए हटा नहीं सकते। इट इज इनएविटेबल, इसे आप नहीं हटा सकते। अभिजात वर्ग या कुलीन तंत्र का शासन आप कभी भी हटा नहीं सकते। ये बात स्टूडेंट बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। ओके अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, व्हाई डिड ही से कि आप ओलिगार्की को ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने दिया है। मिचेल जी कहते हैं कि जैसे आप स्टेट को ले लो या किसी एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मैनी पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सब लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी कि नौकरशाहीकरण किया जाता है। जो ऑर्डर्स हैं उन्हें डेलीगेट किया जाता है यानी कि डेलीगेशन किया जाता है। ये जो डेलीगेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है जिसमें हम हायरार्की को फॉलो यानी कि पदानुक्रम को फॉलो करते हैं, या हम जो कुछ एक्सपर्टी होते हैं यानी कि जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, हम उनको ये काम डेलीगेट कर लेते हैं कि आप ये कार्य करो। ये जो दो प्रोसेस हैं इसकी वजह से फाइनली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ओलिगार्की के बेसिस पे काम करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पार एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के मुंह पे लग गई तो वो फिर हटेगी नहीं। एक ये ऐसा आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा नशा है जो अगर एक बार चढ़ गया तो वो उतर नहीं सकता। ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की वजह से कुछ ही लोगों के पास वो पार होती है डिसीजन मेकिंग करने की, और वो जो पार है ना उससे बहुत सारी और चीज़ें स्पाइरल आउट होती हैं, स्नोबॉल होती रहती है। स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में पेपर वन में तो पढ़ा ही होगा ना। तो वो कहते हैं कि ये जो पावर होती है ये स्नोबॉल्ड होती है, यानी कि अगर उनके पास पार डिसीजन मेकिंग होती है तो उनके पास फिर पार होती है कि वो किसी भी तरह के डिसीजन ले सकें। तो उससे जो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इस इंसान के पास पावर है, तो वो उसके साथ लॉयल्टी दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी लॉयल्टी से उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जो लॉयल्टी होती है वो और भी दिमाग खराब कर देती है, और इस वजह से एक इंडिविजुअल केवल उन लोगों को अपॉइंट करता है जो उनकी बातें सुने या उनके हिसाब से काम करें। ये जो एक तरीके की मेंटालिटी है कि सिर्फ मैं उन्हीं को अपॉइंट करूंगा जो मेरी सुनेंगे, ये एक पार का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग को छोटा 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 करती रहती है, और बहुत लोगों के डिसीजन मेकिंग के बजाय फिर अब कुछ लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग बचता है। ये बात स्टूडेंट उन्होंने बोली है। ये बात वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन और स्पेशलाइजेशन ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पावर का केंद्रीकरण यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। अगर बहुत लोगों के पास अभी पार थी, इन दोनों की वजह से अब वो कुछ लोगों के पास पार ही रह जाती है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। कि अगर किसी के पास पार है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आपको पता है कि आई एम अ टीचर जिसने नेट एग्जाम क्लियर किया है, बहुत अच्छे परसेंटेज से किया है, तो मेरे पास एक पार है कि मैं आपको वो एक एक्स्ट्रा टिप दे सकती हूँ। तो आप मेरे पास आएंगे, आप मुझे कुछ एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे, आप मुझे एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि मैम हमारी प्लीज़ मदद कर दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आपके लिए। ये जो पार का खुमार है जो मेरे पास है, ये मुझे बिगाड़ सकता है और मैं फिर सारे डिसीजंस केवल अपने पास रख लूँ, सब कुछ अपने आप करने लग जाऊँ। तो यही बात रॉबर्ट मिचेल्स एलीट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि कैसे जो भी कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी या स्टेट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो एक पॉइंट बात रूल ऑफ फ्यू यानी कि एलीट रूल पर आ ही जाएगी। और मिचेल्स ने इसका एग्जाम्पल भी अपने बुक में दिया, और वो था जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कोई मुझे बता सकता है कि ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी पार्टी के बारे में वो बात कर रहे होंगे? जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यस, बिल्कुल सही।
जल्दी से बता दें, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस. ओके, चलिए मैं बता देती हूँ. ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये उनमें से वन ऑफ द पार्टीज थी जिसने नासिज्म के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट मिचेल्स ने ये बात बोली थी स्टूडेंट्स. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, यस, कंप्लीटली राइट. ये जो, यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, यस. ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आगे चलकर नासी पार्टी का भी एक तरीके का रूप लेती है. ओके, बिल्कुल सही बोला. इस वो अलग बात है कि हिटलर के ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को इन्होंने रोकने की भी कोशिश की थी. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ठीक है, तो यही बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो वेरी गुड. सो यही मिचेल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इवेंचुअली वो रूल ऑफ अलीट की तरफ बढ़ती जाती है. बिल्कुल सही बात आपने बोला, करेक्ट, वेरी नाइस. ओके, सो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इवेंचुअली जाके नासिज्म का रूप लेती है, नाजी पार्टी का रूप लेती है. ऑल दो जो बचे हुए मेंबर्स हैं उन्होंने ट्राई भी किया था उसे अपोज करने की लेटर. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो मिचेल्स यही बात करने की कोशिश करें कि कैसे एक डेमोक्रेटिक पार्टी इवेंचुअली रूल ऑफ अलीट की तरफ बढ़ जाती है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और इसी वजह से मिचेल्स जो हैं वो इटली में माइग्रेट हुए और उन्होंने मुसोलिनी की फैशिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया, क्योंकि उनके हिसाब से जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न सोसाइटी का जो नेक्स्ट लेजिटिमेट स्टेप है वो यही होगा टू बिकम अ रूल ऑफ अली, टू बिकम एन ओलिगार्की जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स डिसीजंस ही ले पाएंगे. यही बात स्टूडेंट्स है रॉबर्ट मिचेल की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में. आगे चल के बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि डुवर्जर का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी अलीट थ्योरी को अपना एक तरह से सपोर्ट दिया है. बट बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी बोला है कि ये जो मिचेल्स की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा काम करे. अगर हम कम्युनिटी सेंटर या सोशल फ्रेमवर्क या डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे तो इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को रोका जा सकता है. यानी कि अगर अकाउंटेबिलिटी फैक्टर रहे, ट्रांसपेरेंसी फैक्टर रहे, तो इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को रोका जा सकता है. ये बात स्टूडेंट्स उन्होंने बोली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर लेक्चर ऑन रॉबर्ट मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. और आई होप आपको याद है कि कल मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी लेने वाली हूँ 8:15 PM, यानी कि इसी टाइम पे. अब करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी छोड़ने का टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अगर पेपर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो फिर गया मामला. ठीक है, अगर सब कुछ समझ आ गया स्टूडेंट, जल्दी से ओके लिख दो. आई होप आपको एफर्ट पसंद आया होगा. ठीक है, जल्दी से ओके लिख दो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो. एंड देन वील एंड द क्लास. जल्दी से ओके यस लिख दो. और कल 8:15 PM क्लास के लिए आना मत भूलिएगा. करंट अफेयर्स कल पढ़ाया जाएगा. JRF की अगर जिद है तो कल की क्लास में भी YouTube पे टाइम पे आ जाइएगा. ठीक है, वेल वेदर इट्स वैलिड और नॉट, ये तो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपको क्या लगता है अलीट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड है या नहीं. ये एक PhD का अच्छा टॉपिक भी बन सकता है दोस्तों, तो एक अच्छा आइडिया आप लोगों के लिए. ओके, एंड याद रखिएगा स्पेशल इंडिपेंडेंस डे की क्लास के बारे में भी, 15 अगस्त को होगी 11 बजे. 11 बजे, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. बट ये ग्रेडअप ऐप और वेबसाइट पे ही होगी, ये YouTube पे नहीं होगी. तो 11 बजे इस क्लास के लिए भी ऑन टाइम आ जाइएगा. ठीक है, एंड इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट. पॉलिटिकल साइंस UGC NET ग्रेडअप एंड पॉलिटिकल _ साथियों, दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू गुनाजीत, ग्लैड टू नो. प्रज्ञा, अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर मैं क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाती ही क्यों. ऑब्वियसली आ सकते हैं, इसलिए तो पढ़ा रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच अनुभा, ग्लैड टू नो दिस. लाइक कर दिया होगा आई होप सबने अभी तक सेशन को. ओके, तो इसी नोट पे यहाँ इस लेक्चर को एंड करती हूँ. आई होप आपको एफर्ट पसंद आया होगा. अब मैं कल मिलूंगी करंट अफेयर्स के सेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और मैं मिलूंगी कल आपसे 8:15 बजे. बाय बाय.